अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग अबाउट द सेल वॉल। उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेल वॉल का कुछ जनरल स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड देन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। अभी इसी टॉपिक को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक है, दैट इज़ द प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा में बी डिफाइंड एज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड्स थ्रू द पोर्स इन द एडजेसेंट सेल वॉल। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड्स थ्रू द पोर्स इन द एडजेसेंट सेल वॉल्स, दीज आर कॉल्ड एज द प्लाज्मोडेस्माटा। थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स कम्युनिकेट विद द ईच अदर। दिस कैन बी सीन इन दिस डायग्राम, कि यहाँ पे इस डायग्राम में ये मैंने दो जो है वो नेबरिंग सेल्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं। उसमें ये उसकी जो है सेल वॉल है एक सेल की, ये दूसरे सेल की सेल वॉल है। ये दरमियान में जो है डॉटेड पोर्शन से मिडल लमेला को रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये दो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान में यहाँ पे दीज आर द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, जहाँ पे ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं जो कि एक सेल से दूसरे सेल के प्रोटोप्लास्ट तक जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज द प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस। इनको हम प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस या प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक सेल है उसका प्रोटोप्लास्ट है, और ये दूसरा सेल है उसका प्रोटोप्लास्ट है। बोथ ऑफ दीज प्रोटोप्लास्ट दो दैट दीज हैव बीन सेपरेटेड बाय द सेल वॉल, लेकिन ये दोनों जो हैं वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं है, आइसोलेट नहीं है। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स आर नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड बाय द सेल वॉल्स। द प्रोटोप्लास्ट आर कनेक्टेड बाय द फाइन स्ट्रैंड्स। ये फाइन बहुत ही माइन्यूट अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक जो हैं ये स्ट्रैंड जो हैं वो एक्सटेंड करते हैं एक सेल के प्रोटोप्लास्ट से दूसरे सेल के प्रोटोप्लास्ट तक थ्रू द पोर्स विच आर प्रेजेंट विद इन द सेल वॉल। और इसके लिए सेल वॉल में पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उनके थ्रू ये माइन्यूट प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो हैं वो एक्सटेंड करते हैं। दी स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड एज द प्लाज्मोडेस्माटा। द प्लाज्मोडेस्माटा आर यूजली कंसर्न विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल एज वेल एज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टिमुलाई फ्रॉम द वन सेल टू द अदर सेल। एक सेल से दूसरे सेल के थ्रू जो है वो मटीरियल भी ट्रांसफ़र होता है इसके थ्रू, और ख़ास तौर पर डिफरेंट तरह के स्टिमुलाई जो हैं विच आर कैरीड फ्रॉम द वन सेल टू द अदर सेल, दीज आर आल्सो ट्रांसफर्ड थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा और द प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस। यानी सेल एक सेल है उसके इर्द गिर्द सेल वॉल है, सेल वॉल जो है वो नॉन प्रोटोप्लाज्मिक है और सेल जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक है, लिविंग है। तो दोनों के प्रोटोप्लास्ट जो है वो टोटली दो दैट द सेल वॉल्स आर द प्रेजेंट बट द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द टू एडजॉइनिंग सेल्स आर नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड बट दीज हैव द प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास इसी सेल वॉल में ही एक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज द पिट्स। पिट्स क्या हैं? एज द नेम इज़ द इंडिकेटिंग, पिट हम किसे कहते हैं? पिट हम कहते हैं कोई भी जो है वो होल टाइप हो या कोई भी सुराख टाइप हो तो उसको हम जो है वो पिट्स का नाम देते हैं। लेकिन सेल वॉल में जो पिट्स होती हैं, दीज कैन बी डिफाइंड एज द कैविटीज आर द थिन एरियाज विद इन द थिक सेकेंडरी वॉल्स आर कॉल्ड पिट्स। यानी कैविटीज़ हैं, कैविटीज़ भी कह सकते हैं, या थिन एरियाज हैं विद इन द थिक सेकेंडरी वॉल। यानी जब सेकेंडरी वॉल की डिपोजिशन होती है तो उसमें कुछ एरिया जो हैं वो थिन वॉल्ड ही रहते हैं, तो वो थिन वॉल्ड एरियाज या कैविटीज जो है दीज आर कॉल्ड एज द पिट्स। पिट्स आर यूजली लेफ्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन। जैसे ये देखा है, ये हमारे पास जो है ये एक सिंपल लाइन से जो है दिस इज़ द प्राइमरी वॉल, और ये उसके ऊपर जो है वो सेकेंडरी वॉल की डिपोजिशन हो रही है, और ये सेकेंडरी वॉल की डिपोजिशन होते होते ये दरमियान में कुछ एरिया है विच इज़ विदाउट डिपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी वॉल। तो ये वाला एरिया जो है विच रिमेन्स द थिन वॉल्ड दिस इज़ कॉल्ड एज द पिट। तो इसको जो है हम पिट का नाम देते हैं। सच कैविटीज आर द पिट्स, कैविटीज़ आर द परफोरेशंस आर आल्सो फाउंड इन द प्राइमरी वॉल।
ये सिर्फ सेकेंडरी वॉल में ही इस तरह की कैविटीज़ या परफोरेशंस नहीं प्रेजेंट होती, बल्कि ये प्राइमरी वॉल में भी प्रेजेंट होती हैं। बट इन केस ऑफ द प्राइमरी वॉल्स दीज आर कॉल्ड एज द प्राइमरी पिट फील्ड्स। ठीक है, यहाँ पे हम उसको पिट्स का नाम दे रहे हैं, लेकिन प्राइमरी वॉल के केस में दीज विल बी कॉल्ड एज द प्राइमरी पिट फील्ड्स। प्लाज्मोडेस्माटा आर फॉर्म थ्रू दीज प्राइमरी पिट फील्ड्स, यानी एक सेल है उसका प्राइमरी पिट फील्ड है, दूसरा सेल है उनके दरमियान में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, इसके थ्रू जो है वो एक्सटेंड करेंगे और वो कम्युनिकेट करेंगे। द प्राइमरी पिट फील्ड्स आर टर्न्ड इनटू द पिट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डेपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी वॉल। यही प्राइमरी पिट फील्ड जो कि प्राइमरी वॉल में प्रेजेंट होते हैं, जब सेकेंडरी वॉल की फॉर्मेशन होती है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी वॉल दीज प्राइमरी पिट फील्ड्स आर टर्न्ड इनटू द पिट्स, और वो पिट्स में चेंज हो जाती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइमरी पिट फील्ड्स हैं सिर्फ वही जो हैं वो पिट्स में चेंज होंगे, बट द पिट्स मे अराइज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइमरी पिट फील्ड्स, यानी जो प्राइमरी पिट फील्ड भी चेंज होते हैं पिट्स में, और उसके अलावा पिट्स जो हैं उनका अपना इंडिपेंडेंट ओरिजिन भी हो सकता है। एंड इट हैज़ बीन सीन दैट द पिट्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, यानी दो जो अगर पास पास पड़े हुए सेल होते हैं, जो दो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनकी पिट्स जो हैं दीज आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं जो एक चीज़ और उसका दूसरा पार्ट जो कि उसको कंप्लीट कर रहा हो, तो हम कहते हैं ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी उससे वो चीज़ जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो पिट्स आर द कॉम्प्लीमेंट्री, इसका क्या मतलब कि पिट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। जैसे ये मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये एक सेल है और इस साइड पे एक सेल है, ये दरमियान में उनकी प्राइमरी वॉल है, इधर सेकेंडरी वॉल है, इधर सेकेंडरी वॉल है, तो दो जो है ये एडजेसेंट सेल हैं, यानी साथ साथ पड़े हुए सेल हैं, नेबरिंग सेल हैं, और इन दोनों के दोनों सेल्स के पास जो है वो एक एक पिट जो है वो प्रेजेंट है। एंड दीज पिट्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, और ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, मद्दे मुकाबले जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने जो है वो पिट्स प्रेजेंट हैं। द टू ऑपोजिट पिट्स आर सेपरेटेड ओनली बाय अ थिन लेयर, और इन दोनों पिट्स के दरमियान में बहुत थिन लेयर है वॉल की, यानी अगर सेकेंडरी वॉल है भी तो वो थिन शक्ल में जो है वो प्रेजेंट है। इट इज़ दिस थिन लेयर इज़ कॉल्ड एज द पिट मेम्ब्रेन, यानी ये दो पिट्स को जो सेपरेट कर रही है थिन लेयर, दिस इज़ कॉल्ड एज द पिट मेम्ब्रेन, और ये एक सेल की पिट और ये दूसरे सेल की पिट, और ये दोनों एडजेसेंट सेल की पिट्स विच आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर दीज आर कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री पिट पिट्स, और ये जो है पिट्स जो हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड इन अ कॉम्प्लीमेंट्री फैशन। द पेयर ऑफ द ऑपोजिट पिट्स इन द वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल इज कॉल्ड एज द पिट पेयर, यानी यही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको डिस्कस किया है कि जब दो एडजेसेंट सेल की सेल वॉल्स में पिट्स जो हैं वो प्रेजेंट हों, एंड दीज ऑपोजिट पिट्स इन द वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल विल फॉर्म द पिट पेयर, और उसको हम क्या नाम देंगे, पिट पेयर का। एंड द ट्रांसफर ऑफ द मटीरियल टेक्स प्लेस थ्रू दिस पिट पेयर फ्रॉम द वन सेल टू द अदर सेल थ्रू द पिट मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी इस सेल से दूसरे सेल में मटीरियल नहीं आना है, या इस सेल से जो है वो उस सेल में मटीरियल नहीं आना है, तो यहाँ पे ये जो थिन पिट मेम्ब्रेन है इसके थ्रू जो है वो मटीरियल का ट्रांसफ़र जो है वो होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द सिंपल पिट पेयर। ये पहले मैंने आपको एक सिंपल पिट की डायग्राम शो की, उसके बाद जो है यहाँ पे ये एक सिंपल पिट पेयर है। देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द पिट्स, के बहुत सारे वो सारी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास पिट्स की। उसमें सबसे पहली टाइप है दैट इज़ द सिंपल पिट, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द डायमीटर ऑफ द पिट कैविटी रिमेन्स यूनिफॉर्म इन द सिंपल पिट। ये दोनों केसेस जो हैं वो सिंपल पिट के ही ड्रॉ किए हुए हैं कि डायमीटर ऑफ द पिट, अब आप यहाँ पे देखें डायमीटर जो है वो उसका यूनिफॉर्म है, यहाँ पे भी आप देखें डायमीटर जो है वो सेम है। द डायमीटर ऑफ द पिट कैविटी रिमेन्स यूनिफॉर्म इन द सिंपल पिट एंड पिट कैविटी ओपन्स इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेल, यानी ये वाली पिट जो है वो इधर वाले सेल
की बॉडी में खुल रही है, ओपन हो रही है, और ये वाली पिट जो है वो इधर सेल की बॉडी कैविटी में या ल्यूमन में जो है वो ओपन हो रही है। डियर फोर द पिट्स ऑफ द टू सेल्स ऑफ द कॉमन वॉल विल फॉर्म अ सिंपल पिट। और जब दोनों सेल्स पे जो है वो एक एक सिंपल पिट प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं सिंपल पिट पेयर। तो दिस इज कॉल्ड एज द सिंपल पिट पेयर। यानी दो एडजेसेंट सेल है हमारे पास, उसकी एक साइड पे भी पिट है, दूसरी साइड पे भी पिट है। दिस इज कॉल्ड एज द सिंपल पिट पेयर। नेक्स्ट देयर इज द बॉर्डर्ड पिट। सिंपल पिट के बाद हमारे पास जो है वो दूसरा केस है, दैट इज द बॉर्डर्ड पिट्स। अब बॉर्डर्ड पिट्स में क्या होता है कि इन दिस केस द सेकेंडरी वॉल आर्चिस ओवर द कैविटी ऑफ द पिट। यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाई हुई है कि ये प्राइमरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है, ये इधर प्राइमरी वॉल, ये इधर प्राइमरी वॉल, ये डॉटेड एरिया जो है दिस रिप्रेजेंट्स द सेकेंडरी वॉल। ये भी सेकेंडरी वॉल है, ये भी सेकेंडरी वॉल है, ये भी सेकेंडरी वॉल है। अब प्राइमरी वॉल के ऊपर जब डेपोजिशन जो है वो सेकेंडरी वॉल की हो रही है तो ये सेकेंडरी वॉल फॉर्म्स एन आर्च, एक आर्क सी जो है वो बनाती है। आर्च इज ओवर द कैविटी ऑफ द पिट, और ये पिट की कैविटी के ऊपर एक आर्च सा जो है वो बना देती है। दस द पिट ओपनिंग बिकम्स द नैरो। ये हमारी एक्चुअली दिस इज द पिट ओपनिंग आर द पिट अपर्चर। अब आप देखें पिट ओपनिंग जो है वो बहुत नैरो रह गई है क्योंकि वो बॉर्डर सा जो है वो आगे को आ गया, इधर से भी एक बॉर्डर जो है वो आगे को आ गया। तो पिट अपर्चर जो है या पिट ओपनिंग जो है इट बिकम्स द स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द पिट। यहाँ पे सिंपल पिट में आपने देखा था कि डायमीटर और ओपनिंग बिल्कुल सेम एक ही जैसी थी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पिट ओपनिंग जो है इट इज़ टू नैरो एंड द डायमीटर ऑफ द पिट इज़ वेरी लार्ज। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ द पिट इज़ कॉल्ड एज द बॉर्डर पिट। यानी जब सेकेंडरी वॉल जो है वो एक बॉर्डर की शक्ल में एक आर्च जो है वो बनाती है, और वो आर्च इस तरह से बनती है कि पिट की जो ओपनिंग है इट बिकम्स द नैरो, वेरी मच नैरो एज कम्पेयर टू द पिट कैविटी। और वो जो है पिट चैम्बर या पिट कैविटी की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। द बॉर्डर्ड पिट ओपन्स इनटू द सेल ल्यूमन बाय द पिट अपर्चर, और यहाँ से इसकी ओपनिंग होगी पिट अपर्चर के थ्रू। अब आप यूँ समझ लें ये आपके दो सेल हैं, एक ये इधर सेल है और एक सेल जो है वो इधर है। इधर इसकी ओपनिंग हो रही है, इधर सेल की ल्यूमन है, और इस सेल की ल्यूमन जो है वो इस साइड पे है। द पिट अपर्चर इज सर्कुलर एंड मच नैरो देन द डायमीटर ऑफ द पिट चैम्बर। तो यहाँ पे आप देखें पिट चैम्बर जो है वो काफ़ी बड़ा है और पिट अपर्चर जो है वो काफ़ी स्मॉल है। इन द सम केसेस द पिट अपर्चर्स आर मे बी द लीनियर और मे बी द ओवल। ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलर ही हों, आमतौर पर सर्कुलर होते हैं, बट इट मे बी द लीनियर और मे बी द ओवल। द पिट मेम्ब्रेन ऑफ द बॉर्डर पिट डिवेलप्स एन ओवल थिकनिंग इन द मिडल। ये है, दिस इज़ द पिट मेम्ब्रेन, और इसमें वो कह रहा है कि पिट मेम्ब्रेन जो है ऑफ द बॉर्डर्ड पिट, के बॉर्डर्ड पिट में पिट मेम्ब्रेन डिवेलप्स एन ओवल थिकनिंग, दरमियान में उसके एक ओवल सी थिकनिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है इन द मिडल। दिस इज़ कॉल्ड एज द टोरस। इसको जो है हम टोरस का जो है वो नाम देते हैं, ये थिकनिंग है। एज द पिट मेम्ब्रेन इज़ द फ्लेक्सीबल, एक उसके ऊपर जो है वो टोरस बना हुआ है, दूसरी बात ये पिट मेम्ब्रेन जो है दिस इज़ द फ्लेक्सीबल। द लिक्विड्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल पुट द प्रेशर ऑन द टोरस मेम्ब्रेन। ठीक है, इस साइड पे सपोज सेल में जो लिक्विड्स प्रेजेंट होंगे दे विल पुश अ प्रेशर ऑन द टोरस, और वो टोरस के ऊपर जो है वो एक प्रेशर या पिट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो टोरस वाली जगह पे एक प्रेशर जो है वो पुट करते हैं। दस इट बीइंग द फ्लेक्सिबल द टोरस क्लोजिज द बॉर्डर पिट। जब इधर से जो है वो राइट साइड से जो है वो प्रेशर आएगा तो ये टोरस जो है ये जो है फ्लेक्सिबल होने की वजह से पुश हो जाएगा, और पुश होने से इधर से पिट की जो ओपनिंग है या पिट का जो अपर्चर है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, दस क्लोजिंग द बॉर्डर पिट, और बॉर्डर पिट जो है वो क्लोज हो जाएगी। इट मीन्स द टोरस कंट्रोल द पैसेज ऑफ द पिट थ्रू द बॉर्डर पिट। इसका मतलब कि बॉर्डर पिट्स में जो मटेरियल की मूवमेंट है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द टोरस। टोरस जो है वो इस मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है। बॉर्डर पिट्स आर मच मोर कम्प्लेक्स देन द सिंपल पिट्स। आपने देख भी लिया होगा डायग्राम में भी कि सिंपल पिट्स जो हैं वो सिंपल हैं, जबकि बॉर्डर पिट्स जो है उनका स्ट्रक्चर काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। एंड दीज आर फाउंड इन द वेसल्स ब्रेकेज एंड फाइबर्स ऑफ द जाइलम, और जाइलम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनमें जो है ये
या बॉर्डर्ड पिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब जाइलम में हमारे पास ट्रेकिड्स भी होते हैं और फाइबर्स भी होते हैं, उनमें ये बॉर्डर्ड पिट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये बॉर्डर्ड पिट का जो है ये आप यूँ कह लें कि वर्टिकल सेक्शन जो है वो दिखाया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये उसका ट्रांसवर्स सेक्शन यानी ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया हुआ है। ट्रांसवर्स सेक्शन में ये कैसे अपीयर नज़र आ रही है हमें, ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या है, इसके कंसेंट्रिक रिंग्स बने हुए हैं यानी दो या तीन रिंग्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो सबसे जो स्मॉलर रिंग है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द पिट ओपनिंग, ठीक है, और दिस इज़ इसके बाहर वाला जो है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द पिट कैविटी, और ये जो है वो पिट कैविटी या पिट चैम्बर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी TS अगर हम देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, तो बॉर्डर पिट हमें इस तरह से नज़र आती है कंसेंट्रिक रिंग की शक्ल में। तो दिस वाज अबाउट द बॉर्डर पिट। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास के हमने पढ़ा सिंपल पिट्स, बॉर्डर पिट, फिर उसके बाद है हाफ बॉर्डर पिट पेयर। यानी इसमें क्या होगा कि बॉर्डर पिट हैज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री सिंपल पिट, यानी एक साइड पे तो सिंपल पिट होगी और दूसरी साइड पे सिंपल पिट की बजाय बॉर्डर पिट होगी, तो देन दिस विल बी कॉल्ड एज द हाफ बॉर्डर पिट, हाफ बॉर्डर पिट पेयर। एक साइड पे अगर सिंपल पिट है और दूसरी साइड पे बॉर्डर पिट है तो दिस पेयर विल बी कॉल्ड एज द हाफ बॉर्डर पिट। उसके बाद है ब्लाइंड पिट्स, सम पिट्स डोंट हैव एनी कॉम्प्लीमेंट्री पिट, सच पिट्स आर कॉल्ड ब्लाइंड पिट्स। यानी जब किसी पिट की कोई कॉम्प्लीमेंट्री यानी एक साइड तो पिट प्रेजेंट है और उसकी दूसरी साइड पे कोई पिट नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री, तो देन दिस इज कॉल्ड एज द ब्लाइंड पिट। एंड नेक्स्ट इज द कंपाउंड पिट्स, समटाइम्स देयर इज वन पिट ऑन द वन साइड बट देयर आर टू आर मोर कॉम्प्लीमेंट्री पिट्स ऑन द ऑपोजिट साइड। यानी एक साइड पे तो एक ही पिट प्रेजेंट है और दूसरी साइड पे जो है वो मोर देन वन पिट्स आर प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड, सच पिट्स आर कॉल्ड एज द कंपाउंड पिट्स। और इस तरह की जो पिट्स होती हैं उनको हम कहते हैं कंपाउंड पिट्स। तो दिस वाज अबाउट द पिट इन द सेल वॉल। तो सेल वॉल में आपको बार दफ़ा जो है वो पूरा क्वेश्चन तो नहीं आता, काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन उसमें अक्सर जो है अगर सेल वॉल में से क्वेश्चन आता है तो उसमें से 70-80% जो है ये पिट वाला जो टॉपिक है अक्सर वही आता है पेपर में। आप पास्ट पेपर देखें तो उसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आपने इस क्वेश्चन को डायग्राम्स के साथ बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है, आप इसको अच्छी तरह से रेडी कर लें। अल्लाह हाफिज़।